Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं इस नए वीडियो में बताने वाला हूँ म्यूजिक विजुअलाइजर के बारे में। तो गाइज, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये क्या काम करता है और किस लिए आप यूज़ करोगे ये। तो गाइज, अगर आपको एनिमेशन पसंद है तो गाइज ये आप लगा सकते हो अपने नेविगेशन बार में, या फिर टॉप पे आपका टावर नेटवर्क दिखता है, बैटरी परसेंटेज दिखता है वहाँ पे भी, या फिर नीचे नेविगेशन बार में भी। तो कहीं भी आप जहाँ मन करें वहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना, और पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो गाइस, बेसिकली ये ऐप के थ्रू होता है। तो गाइस, सबसे पहले ये ऐप कौन सा है उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि गाइस ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, और गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूज़ किया, एक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अपने Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max Pro M1 में यूज़ किया था, जिसमें कोई मेरे को लैग नहीं देखने को मिला था। तो गाइस, आप भी अपने यूज़ कर सकते हो। तो प्रोसीजर पूरा जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सो नाउ, इफ़ यू वांट टू इनेबल दिस फीचर, देन आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में आपको मूवी जेड करके एक एप्लीकेशन का नाम है, तो ये आपको सर्च करना होगा, डाउनलोड करना होगा। और गाइस, आप देख सकते हो इसमें 4.3 रेटिंग है और 10,000 केस रिव्यू है इसमें, प्लस 6.1 एमबी का है, 100 एमबी का है, आप कर सकते हो, अच्छा रेटिंग है। और इसमें 1+ मिलियन डाउनलोड भी किया गया है, इसका फीडबैक तो अच्छा दिया गया है इसमें। तो गाइस, ये अच्छा ऐप है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको ये सब पसंद है नेविगेशन बार में, आपको ये म्यूजिक विजुअलाइजर। तो गाइज, फटाक से तो इंस्टॉल हो ही गया होगा, जियो की कृपा है। तो गाइज, अगर इंस्टॉल कर लियो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये ऐप ओपन करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है, देन आपको 3 पॉपअप मेनू दिखा देगा, रिकॉर्ड ऑडियो, ड्रॉ ओवर द ऐप, नोटिफिकेशन एक्सेस। तो गाइज, ये तीनों ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा, तभी आप ये फीचर आप यूज़ कर पाओगे। और गाइज, ये मैं बता दूं कि ये मैंने Redmi Note 5 Pro में नहीं, Max Pro M1 में किया है, Max ZenFone Max Pro M1 में किया है। तो गाइज, ये आप इसके बाद फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। और गाइज, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, तो अब वीडियो में और बताते हैं क्या क्या फीचर है। सो गाइज, बेसिकली अब तो का जो बेसिकली प्रोसीजर होता है वो तो हो गया, अब आपको सेलेक्ट करना है विजुअलाइजर कौन कौन सा पसंद है। तो गाइज, इसमें बहुत सारे विजुअलाइजर हैं, बहुत सारे आप देख ही सकते हो, मैं कुछ कुछ दिखा दे रहा हूँ जितना चाहे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। तो आप एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देख लेना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे विजुअलाइजर है। बट गाइज, एक अच्छा फीचर है कि आप ये विजुअलाइजर एक नेविगेशन नीचे के टॉगल नीचे में भी रख सकते हो, या फिर ऊपर में भी रख सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि ये विजुअलाइजर आप कहाँ पर देखना पसंद करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कस्टमाइज तो है ही, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बहुत चीज़ कस्टमाइज हो जाता है बिना कोई पैसा किए। एज़ बहुत सारे ऐप में होता है कि कस्टमाइज़ करने के लिए हमको पेड करना होता है, तो इसमें पेड सिस्टम भी है, बट आप शेयर करोगे तो भी चल जाएगा। अगर शेयर करते हो आप तो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ करके आप अगर कोई भी जो आपको विजुअलाइजर पसंद आता है तो कस्टमाइज़ करो, या आप कोई भी दो या फिर एक ग्रुप में या फिर कोई अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो आपको ये फीचर इनेबल हो जाएगा आपके फ़ोन में। जैसे कि गाइज, आप देख ही सकते हो कि मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, ये हर एक कलर में देख रहा हूँ। इसका विड्थ आप चेंज कर सकते हो, इसका लेंथ चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, सब चीज़ चेंज कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी पसंद का कोई भी बिना पेड किया आप विजुअलाइजर रख सकते हो। तो गाइज, अब मैं जैसे कि पोजिशन चेंज कर रहा हूँ कि मेरे को अब बॉटम में पसंद है, तो मैं बॉटम में रखूँगा, नेविगेशन बार के बॉटम में रखूँगा, ऊपर में मैं नहीं रख रहा हूँ। एज मेरे को नोटिफिकेशन बार या फिर नेटवर्क देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर नोटिफिकेशन देखने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं प्रेफर करूँगा नीचे में, एज नीचे अच्छा लगता है देखने में भी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और आप नोटिफिकेशन रीसेंट जैसे रीसेंट बार आप रीसेंट मेनू सब यूज़ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लस गाइस, इसमें आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, नेविगेशन बार से थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो, या फिर टॉप जो आप नेटवर्क जहाँ पे शो करते हो उससे भी नीचे कर सकते हो, तो ऊपर हालांकि उतना अच्छा ही लगेगा। तो गाइस, आप कस्टमाइज जैसे अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से आप कर सकते हो जैसा चाहे। तो अब मैं फाइनली कस्टमाइज कर दिया हूँ और मेरे को मैं पसंद सेलेक्ट कर लिया हूँ। बहुत डिफिकल्ट हुआ सेलेक्ट करना, एज बहुत सारे विजुअलाइजर है, तो मैं हर एक टाइम अलग अलग रखूँगा, बहुत सारे विजुअलाइजर पसंद आए। तो गाइज, मैंने एक सेलेक्ट किया ये वाला। तो गाइज, मैं अब ये बजा के दिखाऊंगा, सॉन्ग दिखाऊंगा आपको, बट सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर पाऊँगा, एज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं जैसे कि अब बजा रहा हूँ सॉन्ग आपको, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आपने देख लिया कि सॉन्ग मैंने कैसे जैसे ही प्ले किया आपको विजुअलाइजर शो कर दिया। और गाइज, ये अच्छी बात है कि आप डिफॉल्ट MP3 सॉन्ग बजाओगे तब भी बजेगा, या फिर YouTube से अगर प्ले करते हो तब भी बजेगा, तब भी विजुअलाइजर आएगा।
अब मैं फटाफट YouTube को बंद करता हूँ और फिर से सॉन्ग जो मैं अपने ऐप से बजा रहा था उससे बजाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आपकी सही बज रहा है इजीली और कोई लैग नहीं दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, और दोनों में इजीली आराम से जब मैं प्ले कर रहा हूँ सॉन्ग तभी बज रहा है। तो गाइस ये अच्छी बात है। तो गाइस जरूर ये ऐप ट्राई करें। तो गाइस ये ऐप बहुत अच्छी ऐप है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। और गाइस अगर ट्राई कीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये ऐप आप लोग कैसा लगा ये भी बताना। तो गाइस दैट्स इट इन द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।